अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप लोग को हम बेबी बेड सीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। आपसे बेबी बेड सीट पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल कुछ भी बना सकते हैं। इसके लिए हमने दो कलर का कपड़ा लिया है, कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने जो पट्टी लिया है ये देखिए, इस तरीके से 2.5 इंच चौड़ाई है और रेड वाला भी 2.5 इंच चौड़ाई है। लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं। और जो हमारा रेड वाला पीसेस है 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई, चारों तरफ से बराबर है, दो पीसेस है। और ये जो हमारा व्हाइट वाला पीसेस है ये हमारा 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई, चारों तरफ से बराबर है, एक पीसेस है। और व्हाइट वाला हमारा है ये 3.5 इंच लंबाई, 3.5 इंच चौड़ाई, चारों तरफ से बराबर है, दो पीसेस है। और ये देखिए जो हमारा है 2 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई, रेड वाला एक पीसेस है। तो जितना भी हमारा पीसेस है पूरे पीसेस को हम इस तरीके से कर लेंगे। तो हमें व्हाइट लेना है, रेड लेना है, रेड वाला जो हमारा पीसेस है उसके ऊपर व्हाइट वाली पट्टी को रखना है और इस तरीके से और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। देखिए जो हमारा रेड वाला पट्टी है वो जो पीसेस है उसके ऊपर हमें व्हाइट वाला पट्टी रखना है, जो हमारा व्हाइट वाला पट्टी है उस पर हमें रेड वाले को रखना है। तो इसी तरीके से ये हमारा जो देखिए जो हमारा रेड वाला पीसेस है हमने पट्टी को रखा है और इस तरीके से हमने सिलाई किया है। और ये देखिए यहाँ पर हमने इसके रेड के बराबर से व्हाइट वाले पीसेस को कटिंग कर लिया है। तो ये देखिए दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से रखेंगे, अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से सिलाई करते समय हमें जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो हमारा सिलाई जो है सिलाई पर नहीं रहेगा, अच्छे तरीके से फिनिशिंग नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमें ध्यान रखना है, सिलाई को सिलाई पर मिलाते हुए सिलाई करना है। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया है और अब जो हमारा रेड वाला पीसेस है उसको हमें कटिंग कर देना है। व्हाइट जो हमारा व्हाइट वाला पट्टी है रेड के पीसेस के बराबर से कटिंग कर देना है। तो ये देखिए एक हमने रेड का बता दिया और एक हमने पहले इसे कर रख लिया था। तो ये हमारा दो पीसेस थे। फिर चलिए आपको एक वाइट में हम बता दे रहे हैं किस तरीके से हमें करना है। जैसे हमने रेड में किया था सिलाई उसी तरीके से हमें वाइट में भी करना है। तो आप लोग को ध्यान रहे कि जो हमारा वाइट वाला पीसेस है उस पर रेड वाला पट्टी रखना है और जो हमारा रेड वाला पट्टी है उसे वाइट वाले पीसेस पर रखना है और सिलाई कर देना है। तो इसको हमने सेम ही सिलाई किया है और जो हमारा वाइट वाला पीसेस है उसको हमें पट्टी को रेड के बराबर से कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको सिलाई कर लिया है और फिर दूसरा पट्टी हमें इसी तरीके से सिलाई करना है। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब इसको हम कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग भी कर दिया, फिर हमारा जो व्हाइट वाला पीसेस है उसको इसके बराबर से, जो हमारा रेड वाला पीसेस है पट्टी है उसके बराबर से कटिंग कर देना है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर दिया। तो हमारा एक हमने पहले से कर रख लिया था और एक आप लोग के कर बता दिए हैं। तो आप लोग के सामने हमने दो कर बताया है। तो हमने पहले से रख लिया था सिलाई कर, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो हमने ये देखिए इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है उसको भी हम कटिंग कर देंगे। तो हमारा दो पीसेस रेड वाला है और दो पीसेस हमारा वाइट वाला है, चार पीसेस में ये बनकर आया है। तो हमने जो एक एक पीसेस लिया था ये रेड और वाइट, उसको हमें इस तरीके से रखना है और अच्छे तरीके से बराबर कर फोल्ड कर कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर दिया, अब हमें इस तरीके से रखना है ये देखिए और सिलाई करना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया और हमें इस तरीके से रखना है। ये देखिए पट्टी को जो हमने पीसेस को कट किया था उसको रखना है और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है। तो हमारा जो रेड वाला है उसके ऊपर वाइट रखना है और वाइट वाला है उसके ऊपर रेड रखना है। इसी तरीके से पूरे पीसेस को हमें सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, आप इसमें हमारा थोड़ा छोटा हो गया था इसलिए ये इतना फिनिशिंग के साथ नहीं आया, आप थोड़ा बड़ा रखिएगा। जैसे हमने 2.5 इंच रखा था, आप 3 इंच रखिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिशिंग इसका आएगा बनने के बाद में। तो आप लोग को मतलब इसी तरीके से करना है, जहां हमारा वाइट है उसे हमें रेड रखना है और जहां हमारा रेड है वहां पर वाइट रखना है। दो ही कलर में ये बनता है, आप कलर अपने हिसाब से ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो हमें इस तरीके से देखिए हमने कर लिया है और फिर हमें ये देखिए इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से रखेंगे। दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हमें सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप चाहे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो बाद में कट करिएगा, कोई नहीं इससे होता है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, फिर हमें इसको रखना है, वाइट और रेड दोनों को मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। तो
तो देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब इसे हमें कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। तो हमें इसको रेड के साइड हमें वाइट रखना है, वाइट के साइड रेड रखना है। दोनों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए हमें सिलाई करना है। पहले ही हमने बता दिया कि हमारा थोड़ा छोटा हो गया था, इसी से अच्छा इस तरीके से फिनिशिंग नहीं आया। हमने 2 इंच का लिया था, आप 3 इंच का लीजिएगा तो जो फिनिशिंग है बीच का बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है ये। तो बनने के बाद तो ये देखिए हमारा इस तरीके से इसका फिनिशिंग आया है। थोड़ा सा वो हो गया था तो उसको दोबारा हम सही कर देंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, जो हमारा ये है इस तरीके से बनकर कंप्लीट हुआ है। आप बना सकते हैं, हमने पहले से बताया था, थोड़ा आप बड़ा लीजिएगा तो ये बीच का फिनिशिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आप लोग बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा, हमारे बताने का तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को डिज़ाइन पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और इसी तरीके से आप लोग देख सकें नई नई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।